सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टैग ग्रीफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, वही हर बार की तरह अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं और आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से चैट करते हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप ऑडियो कॉल करें, तो गाइज जिस प्रकार से मेरे इस वाले अकाउंट में यहाँ पर मेरे को ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से मैं ऑडियो कॉल भी कर सकता हूँ और वीडियो कॉल भी कर सकता हूँ। लेकिन गाइज कुछ अकाउंट्स के अंदर आपको ऑडियो कॉल वाला ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई देगा तो आप उसको इनेबल नहीं कर पाओगे। तो गाइज यहाँ आज वाली इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपको ये ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो आप किस प्रकार उसको इनेबल करो, आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए। एक तो मेरा ये वाला अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर शो हो जाता है ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन। लेकिन गाइज अब हम चलते हैं दूसरे वाले अकाउंट पर, वहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर मेरे को ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन दिखाने को नहीं मिलता। देखिए हम आ जाते हैं अपने इस वाले अकाउंट पर और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेंजर पर जैसे ही जाते हैं तो गाइज यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं अपने किसी फ्रेंड की आईडी पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर भी ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। जब मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ तब भी मुझे यहाँ पर कोई भी ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, इस वाले अकाउंट पर हम लाइव ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन आपको वापस ला कर दिखाएंगे। तो देखिए गाइज आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि गाइज जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाए। देखिए उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जिस वाले अकाउंट में आपको ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है उस पर आ जाना है और नीचे बॉटम पर जो प्रोफाइल पिक है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, सेटिंग पर टैप करना है, यहाँ से गाइज आपको अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच अकाउंट टाइप का, तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको करना है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो आपको यहाँ पर स्विच करना है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल का मतलब गाइज ये नहीं है कि कोई आपके अकाउंट को देख नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल अकाउंट में आपका तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो गाइज यहाँ से मैं इसको स्विच कर देता हूँ, यहाँ से गाइज हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल में बदल गया है। और अब हम देखते हैं वो मैसेंजर वाले सेक्शन में जाकर कि हमारा ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन इनेबल हुआ है या नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं तो गाइज अभी तक हमें यहाँ पर ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिला है, तो मैं एक बार बैक आ जाता हूँ और बैकग्राउंड से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब गाइज हम इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं और मैसेंजर वाले सेक्शन पर जाते हैं और यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो हमारा ये इंटरफेस था ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और जो यहाँ पर वीडियो वाला ऑप्शन आता था उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। जो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर कोई भी पर्सन होगा उसको आप यहाँ से ऑडियो कॉल कर पाएंगे। यहाँ पर भी गाइज आप देख सकते हैं वीडियो कॉल के बगल में हमें ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज हमने यहाँ पर लाइव आपको दिखाया, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, जो आपका अकाउंट है उसको आपको स्विच कर लेना है बिजनेस अकाउंट से पर्सनल में। जैसे ही आप पर्सनल में स्विच करते हैं तो ऑडियो कॉल वाला ऑप्शन आपके अकाउंट के अंदर दिखने लग जाता है और आप उसका यूज कर पाओगे। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।